बड़ी खबर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुड़ी, जो देश भर में इकट्ठा होकर सड़क पर उतरेंगे और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा इसकी वानगी शुक्रवार को हम देख चुके हैं। तो आज देश भर में प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। सभी प्रदेश में आयकर ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबर है। कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। आयकर विभाग ने 2018-19 में कांग्रेस के आयकर रिटर्न में गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई है। अब देखिए, शुक्रवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने खातों को फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस का आरोप था कि बैंक खाते फ्रीज किए जाने के कारण पार्टी के चेक जो है वो पास नहीं हो रहे हैं और कांग्रेस को अपने दैनिक खर्चे पूरे करने में परेशानी आ रही है। शुक्रवार को ही कांग्रेस ने आयकर विभाग के इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और आज कांग्रेस पूरे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर ही चुकी है। और इसके साथ देखिए, कांग्रेस को फिलहाल इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण से राहत मिल गई है, लेकिन कांग्रेस आयकर विभाग के एक्शन को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर रही है। इसी बहाने कांग्रेस आज दिन भर शक्ति प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरेंगे। देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। ये तानाशाही सरकार किस लेवल पे कांग्रेस पार्टी को, ऑपोजिशन को कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। Which means in the coming festival of elections, the largest, one of the largest stakeholders will not be able to participate. भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शासित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे अकाउंटों के पीछे तो पड़ा हुआ था, अब ये कांग्रेस के अकाउंट सील करना चाहते हैं। सीधा मामला है इनकम टैक्स की प्रक्रियाओं का, इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज। वैसे तो विपक्ष पहले से ही बीजेपी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब आर पार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने दफ्तर हैं उसके बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स विभाग का एक्शन कांग्रेस का बही खाता बिगाड़ने वाला है। कांग्रेस का आरोप है कि बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई बीजेपी सरकार के इशारे पर की गई। क्या राहुल गांधी की यात्रा बीच में ही रुक जाएगी? क्या कांग्रेस की चुनावी रैलियों की संख्या कम हो जाएगी? क्या अब कांग्रेस दफ्तर में चाय पानी भी बंद हो जाएगा? कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद क्या अब पार्टी दफ्तर के स्टाफ भी चले जाएंगे? क्या चुनावी महासमर से पहले ही कांग्रेस के साथ खेल हो गया? ऐसे कितने ही सवाल हैं और इन सवालों से उपजी संभावनाओं पर बवाल ही बवाल है। दरअसल जब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आयकर विभाग ने देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। आईटी ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज कर दिए। आईटी ने कांग्रेस से 2018-19 के टैक्स रिटर्न के बेसिस पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी।
कांग्रेस का दावा है कि 2018-19 में चुनाव के चलते टैक्स रिटर्न 40-45 दिन लेट सबमिट किया गया। ये भी दावा किया गया है कि चुनावी साल में कांग्रेस ने 199 करोड़ रुपए खर्च किए, इनमें से 14,40,000 रुपए कैश जमा कराए गए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से कैश में जमा किए गए 14,40,000 रुपए को लेकर ही अब इनकम टैक्स विभाग ने एक्शन लिया है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश से जोड़ दिया है। सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है, और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। साफ है कि ये पूरा मामला पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त का है और अब कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बनता नजर आ रहा है। ऐसे में जैसे ही कांग्रेस दफ्तर तक खाते फ्रीज होने की खबर आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। आरोप है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी सरकार साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट 9 अकाउंट फ्रीज करने का काम इन लोग ने किया है। ये मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार चलाना बंद करो। जो चुनाव के समय में पिछले 5 साल का पुराना आप बता रहे हैं, अभी आपने किया, ये तो जानबूझ के कर रहा है। ये तानाशाही सरकार है, बीजेपी के लिए एक अलग कानून है, अपोजिशन के लिए अलग कानून है। हालांकि कांग्रेस की अपील पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT ने सभी खातों को अनफ्रीज कर दिया है, जिस पर कांग्रेस का दावा है कि अलग अलग खातों में जमा 115 करोड़ रुपए अभी भी ब्लॉक्ड हैं, यानी जिसे निकाला नहीं जा सकता। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट कर बताया, हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रहे। ये 115 करोड़ बैंक खातों में लीन अमाउंट है, हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। विडंबना ये है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से काफी कम पैसे हैं। यानी इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद ITAT से कांग्रेस को राहत भले मिल गई हो, लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई है, क्योंकि अब कांग्रेस के सामने अपने सियासी कार्यक्रमों के आयोजन, चुनावी खर्च को जुटाने और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस को खत्म करना चाहती है और अघोषित रूप से देश में वन पार्टी सिस्टम लागू करना चाहती है। कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं, बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है, और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। वैसे तो कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई है, लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाना बना रही है, या फिर यूं कहें कि इनकम टैक्स विभाग के एक्शन को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और ये संदेश दे रही है कि बीजेपी सरकार किस तरह देश को तानाशाही की ओर लेकर जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।